लालकुआ कोतवाली पुलिस में उस समय हड़कंप मच गया जब कोतवाली क्षेत्र स्थित मोटू हल्दू उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में डकैती पकड़ने की सूचना फोन पर आती है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में कोतवाली की पूरी पुलिस व सीओ ने कोतवाली से 9 किलोमीटर दूर बैंक की ओर गाड़ियों से दौड़ लगा दी। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए 16 मिनट में बैंक पहुंचकर बैंक को अपने कब्जे में लेकर तलाशी ली तो कोई डकैती की सूचना नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस कर्मियों को पता चलता है कि एसएसपी के आदेश पर ये मॉक ड्रिल किया गया था, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने राहत की सांस ली। वहीं सीओ महेश नंद गैरोला का कहना है कि पुलिस को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए समय समय पर इस तरह का मॉक ड्रिल किया जाता है। ये हमें हमारे अधिकारी द्वारा मार्गदर्शन दिया गया था और ब्रीफ किया गया था हमारे डीजीपी महोदय के द्वारा, हमारे डीआईजी महोदय एवं हमारे एसएसपी महोदय के द्वारा, कि फोर्स की चुस्ती और दुरुस्ती को देखने के लिए इस प्रकार के ड्रिल कराने की आवश्यकता है कि जिसमें फोर्स को हम देख सकें कि हमारा फोर्स कितनी जल्दी एक्शन करता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमें सूचना मिली थी कि उत्तरांचल ग्रामीण बैंक पर कुछ सशस्त्र बदमाश घुसे हुए हैं और उसकी सुरक्षा के लिए फोर्स को बुलाया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पर पहुँचे और ये मॉक ड्रिल कराया गया है। जो सूचना मिली थी हमें, सूचना का समय 5:37 का था और हमारा थाना लालकुआ से जो प्रथम ग्रुप 5-6 आदमियों का पहुँचा वो 16 मिनट में पहुँचा, दूसरा ग्रुप तकरीबन 18:20 में पहुँचा और इस प्रकार से हमारे 18-20 लोग यहाँ पर कम से कम 20 मिनट के अंदर थाना लालकुआं से यहां पर पहुंचे हैं। बैंक को हमने गहनता से इसका निरीक्षण किया तो बैंक में इसमें बहुत कुछ कमियां हैं। यहां पर किसी प्रकार का प्रोटेक्शन के लिए कोई चौकीदार नहीं है, तार बाउंड्री भी इस पर नहीं है और पीछे से कोई बारबर वायर फेंसिंग इत्यादि का प्रबंध नहीं है। इस हिसाब से हम कहेंगे कि ये बैंक की व्यवस्था सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल ही निम्न स्तर की है। इस संबंध में हम बैंक अधिकारियों को लेटर लिखेंगे और कुछ अधिकारियों को भी इस बात से अवगत कराएंगे। भविष्य में इस बैंक में कभी भी कोई खतरा हो भी सकता है। देवभूमि न्यूज के लिए हल्द्वानी से योगेश दुमका की रिपोर्ट।